बेटा जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ तो बेटा जी, फिजिक्स का चैप्टर वन, इसका सिलेबस आउटलाइन है। आपने फिजिक्स और उसकी ब्रांचेस पढ़नी है, मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में जानना है, फिजिक्स और सोसाइटी, फिजिक्स का सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है ये आपने पढ़ना है। इसके बाद आपने SI यूनिट पढ़नी है और सबसे अहम जो है डायमेंशंस है, ये आपका डायमेंशंस जो आपने सीखना है, इसी के न्यूमेरिकल हमने करने हैं, इसी के न्यूमेरिकल करने हैं। इसी इसके बाद आपका आखिरी टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स जो है वो स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, ठीक है ना, स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिजिक्स। फिजिक्स की दो मेन ब्रांचेस हैं, एक है क्लासिकल फिजिक्स और दूसरी है मॉडर्न। क्लासिकल फिजिक्स की फर्दर ब्रांचेस मैंने यहाँ 5 लिखी हैं, एक है मैकेनिक्स, दूसरी इलेक्ट्रिसिटी, तीसरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स, चौथी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और पांचवी ऑप्टिक्स। जबकि मॉडर्न फिजिक्स की 5 ब्रांचेस मैंने लिखी हैं, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एस्ट्रो फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स। नोट कर लीजिएगा। अब इनको हम इसको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। ब्रांचेस ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स है, इस ब्रांच में आप मोशन ऑफ बॉडीज को स्टडी करते हैं विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। सेकंड ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी, इसका ताल्लुक इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर से मुतल्लिक जो फेनोमिना है उससे है। जब चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट होता है या चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उससे मुतल्लिक जितने भी फिजिकल फेनोमिना होते हैं, जैसे चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपनी एक इंटेंसिटी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जिस्म से अगर गुजरती है उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। चार्ज पार्टिकल को किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल की फील्ड में जब मूव किया जाता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव किया जाता है, तो आप उसमें जितना काम करते हैं उस वर्क को उस चार्ज पार्टिकल के चार्ज से डिवाइड कर दिया जाए तो ये उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है। इसी तरह अगर एड्रेस चार्ज पार्टिकल की बजाय हम मूविंग चार्ज पार्टिकल की बात करें तो याद रखिएगा, जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो जितना चार्ज एक सेकंड में मूव करता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और जिस सोर्स ने उसे मूव करवाया है उसको वोल्टेज का नाम दिया जाता है। जब चार्ज पार्टिकल किसी तार में मूव करता है तो वो तार उस चार्ज पार्टिकल को रोकने की कोशिश करती है, इस एबिलिटी को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये सारे बिहेवियर, इस सारे फिनोमिना को आप इलेक्ट्रिसिटी में स्टडी करते हैं। याद रखिएगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपने सॉलिड मटेरियल्स के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करना होता है। जैसे सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, आपने उन्हें स्टडी करना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, किसी भी, याद रखिएगा, किसी भी तार में करंट के गुजरने की वजह से उस तार के गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है उस मैग्नेटिक फील्ड को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। हमने उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में स्टडी करना है जिस ब्रांच में वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस आ गई, एटॉमिक फिजिक्स, इसमें आप एटम के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें आप न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को, प्रॉपर्टीज को और न्यूक्लियस में होने वाले रिएक्शंस को स्टडी करते हैं। प्लाज्मा फिजिक्स, अच्छा प्लाज्मा क्या होता है, याद रखिएगा, आप जब किसी भी सब्सटेंस के, किसी भी गैस के न्यूक्लियाई को, न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई है, किसी भी गैस के न्यूक्लियाई को एक खास तरीके से उस गैस के एटम्स के इलेक्ट्रॉनों से सेपरेट कर दें, किसी भी मटेरियल खुसूसन गैस के न्यूक्लियाई सेपरेट कर दें और उसके इलेक्ट्रॉन दोनों चार्ज बार अलग कर दें, तो ये जो मिक्सचर है इसको प्लाज्मा कहते हैं। एक खास हद तक प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा फिजिक्स जो है इसमें हाईली आयनाइज्ड एटम जो बनाते क्या है, बार न्यूक्लियाई बनाते हैं, न्यूक्लियस अलग कर देते हैं, उसको जब स्टडी करते हैं तो ये आपकी प्लाज्मा फिजिक्स है। और फाइनली एस्ट्रो फिजिक्स, आपने एस्ट्रोनॉमी का नाम सुना होगा जिसमें आप चांद, सितारे और सैयारे, मून, स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो आपने मॉडर्न फिजिक्स की इन पर एप्लीकेशन करनी है। एस्ट्रोनॉमी से मुतल्लिक प्रॉब्लम्स को जब आप स्टडी करते हैं तो ये फिजिक्स की ब्रांच एस्ट्रो फिजिक्स।
हत्ता कि अगर आप एस्ट्रोनॉमी में इस्तेमाल होने वाले टूल्स जो फिजिक्स के माहिरीन ने बनाए होते हैं अगर आप उन्हें पढ़ते हैं तो ये भी क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स में आते हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में आपको जो चीजें याद रखनी है, देखो बेटा ये नोट कर लीजिएगा, अल ख्वारज्मी 780 से 880 एडी के दरमियान थे, तकरीबन 100 साल इनकी उम्र थी। इनकी जो किताब है अलजबरा के मौजू पर है, अलजब्र वल मुकाबला। इसके अलावा इनका एक और कंट्रीब्यूशन है और वो है एल्गोरिथम, जिसे आप लॉगरिथम के नाम से जानते हैं। सेकंड साइंटिस्ट जो है इब्नुल हैथम है, ये भी देखिए दौर आसपास वही है, ये 200 साल बाद के हैं। याद रखिएगा बगदाद के ये अरूज का दौर नहीं था, ये दौर था मामून रशीद के जवाल का और उसके बेटे अली मामून के बादशाह बनने का, और फौरी तौर पर वो भी जवाल पजीर हो गए, तो ये बड़ा मुश्किल दौर था। इब्नुल हैथम की खूबी ये है कि इन्होंने ऑप्टिक्स के मौजू पर किताबुल मनाजिर तो लिखी ही, लेकिन दुनिया को एक शानदार तहकीकी एक रिसर्च आर्टिकल दे गए, और वो ये था कि चीजों को परखा कैसे जाता है, थ्योरीज को परखा कैसे जाता है, लॉज कैसे डेवलप होते हैं, और इसका नाम था द साइंटिफिक मेथड्स। ये तो आप जानते हैं ना कि फिजिक्स डिपेंड करती है ऑब्जर्वेशंस पर और मेजरमेंट पर, तो इनका ये कमाल का काम था। इनकी बायोग्राफी पढ़ने वाली है। अल बैरूनी, इन्होंने एस्ट्रोनॉमी पर इंसाइक्लोपीडिया लिखा जिसे कानूनुल मसूदी कहा जाता है। अल बैरूनी ने बड़े बादशाह देखे, चार बादशाहों के द्वार देखे, और इंडिया में इन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी यहाँ रह के लिखी। इनकी खूबी यह है कि इन्होंने जमीन का लेटिट्यूड मालूम करने पर तहकीक की, और पाकिस्तान के एक शहर जेलम के एक छोटे से गांव जिसे पिंड दादन खान कहते हैं, वहां इनकी लेबोरेटरी थी, बहुत अदवार देखे इन्होंने। इनके जो ताल्लुकात थे इब्ने सीना के साथ बहुत। इसके बाद इब्ने सीना है, बुनियादी तौर पर ये डॉक्टर थे, तबीब थे। इनकी किताब है अल कानून फित तिब, जो मेडिकल टेक्स्ट बुक है। अब आइए जरा देखते हैं अल ख्वारज्मी को। ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी के बहुत बड़े स्कॉलर थे, और ये मामून रशीद के दौर में बैतुल हुक्म हिकमत उनका एक इदारा है, इसके अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट आते हैं, एक बहुत शानदार रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसके मेंबर हुआ करते थे। इन्होंने अलजबरा पर अपनी किताब अलजब्र वल मुकाबला लिखी, जिसमें ज्योमेट्रिकल और एनालिटिकल सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर एंड क्वाड्रेटिक, उस जमाने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या लीनियर इक्वेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, इन्होंने वो कॉन्सेप्ट दिया था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए। हिंदुस्तान में डेसिमल नंबर सिस्टम पहले से राइट था, अरब्स में भी वो आ चुका था। इन्होंने डेसिमल नंबर्स की बुनियाद पर काउंटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया। इसके अलावा इन्होंने एडिशन मल्टीप्लीकेशन जैसे मेथड्स को बड़ी सिंप्लीफिकेशन के साथ एक्सप्लेन किया। एंगल मालूम करना इन्होंने बताया, सोचिए कितने बुनियादी चीजें हैं। इसके अलावा इन्होंने लॉगरिथम और एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करा, ये दो अलग चीजें नहीं है लेकिन अब समझी जाती। इन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अब सोचिए अलजबरा के साथ साथ ये राइट एंगल ट्राइंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। यानी अगर ये समझाया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद इनकी मरहून मिन्नत है तो गलत नहीं होगा। अलजबरा टोटली इनकी वजह से है और ट्रिग्नोमेट्री की बुनियाद भी इन्होंने रखी। अबू अली हसन इब्नुल हैथम, ये फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन, देखिए कमाल की बात है कि बयक वक्त ये डॉक्टर भी थे और इंजीनियर भी थे। इन्होंने जो सबसे कमाल की किताब लिखी वो ऑप्टिक्स पर थी और वो किताब उल मनाजिर थी। इस किताब में इन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन किया था, और बाकी भी फिजिक्स के ऑप्टिक्स से मुतल्लिक जितने भी हैं, पिन होल कैमरा भी बनाया। उस जमाने में ग्रीक्स का एक कॉन्सेप्ट था रोशनी के बारे में कि जब किसी चीज को हम देखते हैं तो हमारी आंख से रेस निकलती हैं, उस जिस्म से टकराती हैं, और इस तरह वो चीज हमें वाजे नजर आती है। इन्होंने कहा यह गलत है, बल्कि किसी सोर्स यानी सूरज से, लाइट के सोर्स से जब रेस उस जिस्म पर पड़ के रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख पर पड़ती हैं, तो फिर हमें वो चीज नजर आती है, और ये बिल्कुल आज एक्सेप्टेबल। बड़ी आसान आसान तरीके से न्यूटन ने तो बहुत ही आसानियां दी, लेकिन ये उससे भी ज्यादा आसान तरीके से इनकी किताबें मौजूद हैं। इन्होंने नेचर ऑफ लाइट को डिस्क्राइब किया
और ये इनका कहना था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मजे की बात याद रखिएगा, ये आइंस्टाइन का कहना नहीं था, मैक्सवेल प्लैंक का कहना नहीं था, इनका उस वक्त ये इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज यूरोपीय दुनिया इनके इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल रही है। इन्होंने पिन होल कैमरा बनाया और सूरज के इन्होंने बड़ी डिटेल के साथ इंसानी आंख को एक्सप्लेन किया। इन्होंने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और इमेज फॉर्मेशन मिरर की मदद से, आपने पढ़ा हुआ है, उन्हें डिस्क्राइब किया और बताया कि ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होते हैं और अपेक क्या होते हैं। ये बुनियादी सारे ऑप्टिक्स से मुतल्लिक इनके कॉन्सेप्ट थे। इसके बाद आपके आते हैं अलबेरूनी, जिनके बारे में आपको बता चुका हूँ कि इनकी तहकीक सबसे ज्यादा है। अलबेरूनी का पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद अबू रेहान अलबेरूनी है। ये भी फिजिक्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी और मेडिसिन के माहिर थे। इन्होंने कानून अल मसूदी लिखी, जो इंसाइक्लोपीडिया है दरअसल एस्ट्रोनॉमी का। इन्होंने बताया कि रोशनी की जो रफ्तार होती है वो आवाज की रफ्तार से ज्यादा होती है। देखिए ये मामूली बातें नहीं है। इन्होंने फिजिक्स के कुछ लॉज डिस्कवर किए जो प्लैनेट से मुतालिक थे और इन लॉज की मदद से केपलर ने अपने वो शोरा आफाक लॉज पेश किए जिनमें डिफेक्ट थे, जिस पर पूरी एस्ट्रोनॉमी बाद में बनी। केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी सिस्टम की जो बुनियाद है वो इन्होंने रखी थी और केपलर्स लॉ के डिफेक्ट्स को बाद में आपके सर आइज़क न्यूटन ने करेक्ट किया। इन्होंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, किसी भी जगह पर रह के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम करने का तरीका बताया। देखिए मैंने इस स्कूल के, इस कोचिंग की छत पर जो सोलर सिस्टम बनाया है, उस सोलर का जो रुख है नॉर्थ की तरफ है और एक खास डिग्री पर एक खास एंगल से उन्हें सेट किया जाता है। कराची में उनका जो लैटिट्यूड है वो तकरीबन 23 डिग्री होता है। किसी भी शहर में रहकर ये उस शहर में उस जगह पर जमीन, उस जगह का लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड मालूम कर सकते हैं और उससे फायदा ये हुआ कि आपका ये जनरल स्टैंडर्ड टाइम जो है पूरी दुनिया में जो देखा जाता है, ये टाइम भी उसी की वजह से और बहुत सारे दूसरे फिनोमेना भी जो जमीन से मुतल्लिक है उसकी वजह से आए। इन्होंने जमीन का सरकमफेरेंस मालूम किया, यानी जमीन का सरकमफेरेंस मालूम किया। याद रखिएगा ये अर्थ है, सरकमफेरेंस आप जानते हैं यहां से लेकर यहां तक पूरी लंबाई को सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इन्होंने जमीन का सरकमफेरेंस मालूम। इब्न सीना, मैं इनकी हिस्ट्री आपको बता चुका हूं। दिलचस्प बात है कि मैंने इनकी जो तस्वीर यहाँ लगाई है, ये तस्वीर आप देखिएगा, ये गालबन तुर्की का नोट है। इस नोट पर इनकी तस्वीर है। दुनिया इनसे, इनको एवेसीना के नाम से जानती है। मॉडर्न वर्ल्ड यूरोप जो है इन्हें एवेसीना के नाम से जानते हैं। इन्हें, इनका असल नाम जो है अबू अली सीना, इन्हें पुरसीना के नाम से भी कहा जाता है और मॉडर्न वर्ल्ड में इन्हें एवेसीना कहते हैं। इब्न सीना को 10 साल की उम्र में इन्होंने कुरान को हिफ्ज किया और 16 साल की उम्र में इन्होंने मास्टर कर लिया था फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, मंतक यानी लॉजिक में, मेटाफिजिक्स में, और उसके बाद इन्होंने मेडिसिन को पढ़ना शुरू किया। कितनी साल की उम्र में, मैंने इनका एक इनकी बायोग्राफी आपको बताई थी। 16 साल की उम्र में इन्होंने इन तमाम सब्जेक्ट्स पर अबूर हासिल करने के बाद मेडिसिन पढ़ना शुरू की और वो अपने इलाके के हुक्मरान के इलाज के लिए, ताकि उसकी लाइब्रेरी से इस्तेफादा हासिल कर सके और उस लाइब्रेरी में रखी हुई अलजबरा की किताबों को पढ़ सके। मजे की बात, पैशन क्या है, अलजबरा पढ़ना, और प्रोफेशन क्या है, मेडिसिन। कमाल तो ये है ना, आदमी को देखें, इनाम ये है अल्लाह का कि आप बंदे में जिस चीज का पैशन हो वो उसका प्रोफेशन बन जाए। पहले अपना पैशन डिस्कवर करना होता है, अपना शौक देखना होता है किसमें ज्यादा आप कंफर्टेबल हैं, फिर आप उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं तो आप बेस्ट अपना पेश कर सकते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा कमाल है कि आप जिस प्रोफेशन में गए हैं उस प्रोफेशन का आप शौक पैदा कर लीजिए, उसको अपना पैशन बना लीजिए। तो इन्होंने क्या है, अलजबरा को अपना पैशन समझा था, लेकिन मेडिसिन को इन्होंने प्रोफेशन बनाया और फिर मेडिसिन में इन्होंने कमाल कर लिया। इन्होंने एक बहुत बड़ा 5 वॉल्यूम में मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया लिखा, द कैनन ऑफ मेडिसिन, जिसको कहा जाता है अल कानून फित्तिब।
इसको आज भी मेडिकल टेक्स्ट बुक इस्लामिक वर्ल्ड और यूरोप वर्ल्ड में आज तक भी इसे मेडिकल टेक्स्ट बुक का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने फिलासफी और मेडिसिन के अलावा एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, अल्केमी, उस जमाने में केमिस्ट्री कहते हैं, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, साइकोलॉजी, इस्लामिक थियोलॉजी, लॉजिक, मंतक, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और सारा काम किया पोएट्री पर, बेहतरीन शायर हुआ करते थे। इन्होंने तकरीबन 450 किताबें लिखी और गुमनामी के दौर में भी लिखी। उनमें से 240 किताबें मौजूद हैं, इनमें 450 में से 240 मौजूद हैं, बकिया उस दौर में हलाकू खान के दौर में इनकी किताबें नील के दरिया बुर्द कर दी गई थी, जला दी गई थी या दरिया में बहा दी गई थी। 240 बची हैं, उनमें से 150 जो है फलसफे पर है, फिलासफी पर हैं, और 40 किताबें मेडिसिन पर हैं। अलजबरा पर इनकी किताबें मौजूद नहीं। मैंने कल आपको, ये कल तक है, मैंने कल आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताया था कि वो फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें मेयर किया जा सकता है, और इसकी दो टाइप्स होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो इंडिपेंडेंट टू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दोस क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट टू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और याद रखिएगा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का किसी और फिजिकल क्वांटिटी पर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती। ये सात हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आपको पता है। ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं, ये सारा जनाब रिव्यू था। इसके बाद आपका आता है ड्राइव क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज हैं जो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज पर। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखी है कि स्पीड जो है वो ड्राइव क्वांटिटी है और ये दो बेस क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है और दोनों बेस क्वांटिटीज को डिवाइड करके हासिल होती है। स्पीड जो है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ड्राइव क्वांटिटीज फाइंड करना चाहते हैं, अगर आप ड्राइव क्वांटिटीज फाइंड करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर। ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज थी। अच्छा, इसके बाद आपका यूनिट सिस्टम आता है, तो मैं वापस जाता हूँ बोर्ड पर। कल मैंने आपको यूनिट सिस्टम के बारे में बताया था कि 1916 में एक कॉन्फ्रेंस, उसमें फाइनलाइज किया गया था कि हम ये सिस्टम अडॉप्ट नहीं करेंगे। उस जमाने में देखिए, मेरा ये लफ्ज याद रखिएगा, हर इलाके के देसी निजाम के अलावा दुनिया में तीन सिस्टम राइट थे। एक था CGS सिस्टम, सेंटीमीटर सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम। ये सिस्टम आज भी है लेकिन इसको यूज नहीं किया जाता। सेंटीमीटर लेंथ की यूनिट होती है, ग्राम मास की यूनिट होती है और सेकंड टाइम की यूनिट होती है। अच्छा, दूसरा था ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, या इसको हम कहते हैं FPS सिस्टम। ये दो अलग अलग नहीं है, F का मतलब होता है फिट, P फॉर पौंड, पौंड को बेटा LBS लिखा जाता है, S फॉर सेकंड। मजे की बात यह है, यहां समझिएगा कि फुट जो है सेंटीमीटर की तरह लेंथ की यूनिट है, बट पौंड इज द यूनिट ऑफ, याद रखिएगा, पौंड इज नॉट द यूनिट ऑफ मास, पौंड इज द यूनिट ऑफ फोर्स। इनका ये ख्याल था, अंग्रेजों का ये ख्याल था, ये बरतानवी निजाम है, याद रखिएगा, ये बरतानवी निजाम है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम है। इनका ये ख्याल था कि फोर्स इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड मास इज ड्राइव क्वांटिटी। वो मास को, जैसे यहां सेंटीमीटर लेंथ की है, ग्राम मास की है, सेकंड टाइम की है, तो यहां पर देखिए फुट लेंथ की है, पौंड फोर्स की है, मास की नहीं है, ठीक है ना, और सेकंड टाइम की है। तो इन्होंने फोर्स को फंडामेंटल क्वांटिटी मान के उसकी यूनिट को
बेसिक यूनिट कहा था, और मास जिसकी यूनिट शायद सिलग है उसे उन्होंने चेक कर लीजिएगा, मास की यूनिट को उन्होंने ड्राइव क्वांटिटी कहा था कि ये ड्राइव की जाती। आज भी अगर आप किसी बेकरी पर जाइए केक लेने के लिए तो आपको केक किलोग्राम में भी मिलता है और कुछ बेकरी में पौंड में भी मिलता है, वो तोलते हैं पौंड में, लेकिन उनके पास तोलने के लिए कोई मशीन नहीं होती। अब सारी बेकरीज में एक केजी दो केजी का केक आपको इस तरह से तो मिल सकता है, पौंड में भी मिलता है, लेकिन पौंड को अगर आप तोलना चाहें तो कैसे तोलेंगे, बस कहते हैं ये एक पौंड का, ये दो पौंड का। तो पहले चीजों को पौंड में ना तोला जाता था। तीसरा सिस्टम जो है वो शेरों का निजाम है, शेरों का, शेर जंगल का बादशाह होता है, ये है MKS। इसमें मीटर किलोग्राम सेकंड ये बेसिक यूनिट थी। उस जमाने में तीन फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिक फिजिकल क्वांटिटी माना जाता था, और उसके 1960 के बाद हमने डिसाइड कर लिया था कि मजीद चार फिजिकल क्वांटिटीज भी इनमें शामिल कर लेंगे। अच्छा, 1960 में जो कॉन्फ्रेंस थी वेट और मेजरमेंट की, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, उसमें ये डिसाइड किया गया, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, इसमें डिसाइड किया गया कि इन तीनों यूनिट सिस्टम्स को एडॉप्ट ना किया जाए, बल्कि एक नया सिस्टम बनाया जाए जो पूरी दुनिया में राइज हो। देखिए, याद रखिएगा, CGS सिस्टम गालबन यूरोप में राइज था, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम बर्तानिया में और उसके महकूम ममालिक में राइज था, MKS सिस्टम अमेरिका और उसके फ्रेंड कंट्रीज में राइज था। अब होता क्या है, अगर फर्ज कीजिए कि किसी ने कराची में प्लाट लेना है और वो जर्मनी से फोन करता है कि कराची में मुझे एक प्लाट चाहिए, तो वो उसे जवाब मिलता है कि कराची में 100 yard का, 100 गज का प्लाट, 100 गज ऐसे ही होता है ना, और लाहौर में पूछता है तो वो कहता है कि 50 मरले का या 100 मरले का या 4 मरले का या 10 मरले का प्लाट इतने का मरला, वो तो बेचारा पागल हो जाएगा। मुझे याद है अच्छी तरह से, जैनब मार्केट में मैं शर्ट खरीदने गया जब छोटा जवान था, तो वहां मैंने देखा कि कुछ रशियन आए हुए थे, बेचारों को पता ही नहीं था। मैंने वो शर्ट जो है उसे पूछा कितने की, उसने कहा 40 रुपए की, और जब उस रशियन ने उसे पूछा तो उसे कहते $40 की। अगर फर्ज कीजिए कि आप किसी ने यहाँ कोई चीज परचेज, कपड़ा ही परचेज करना है, तो क्या वो सेंटीमीटर से नापेंगे, फिट में नापेंगे या मीटर में नापेंगे। पहले एक वक्त था जब फिट की मदद से, 3 फिट का आप जानते हैं एक गज होता है, गज इस्तेमाल हुआ करते थे, फिर वो गज छोड़ दिया गया, गज थोड़ा छोटा होता है और मीटर थोड़ा बड़ा होता है, फिर कपड़ा मीटर में ना, तो जितने भी बेईमान कपड़ा बेचने वाले थे उन्होंने क्या किया, दिखाते वो मीटर थे, नापते वो गज से थे। तो ये तय कर लिया गया कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम होना चाहिए। आप बर्तानिया में हैं, जर्मनी में हैं, रशिया में हैं, अमेरिका में हैं, पाकिस्तान में हैं, किसी भी चीज को अगर आप किसी भी चीज की लेंथ की बात करेंगे तो आप ना सेंटीमीटर में बात करेंगे ना फिट में बात करेंगे, लेकिन आप बादशाह बादशाह होता है, क्योंकि कॉन्फ्रेंस उस वक्त सुपर पावर अमेरिका था, रशिया भी कुछ नहीं कर सकता था। 1960 में रशिया अरूज पर था, और याद रखिएगा दो सुपर पावर थी उस जमाने में, अमेरिका और रशिया, लेकिन रशिया भी कुछ नहीं कर सकता था। चुनांचे एक चौथा सिस्टम हमारा आया, SI यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल आर्क यूनिट्स, और इसमें बेसिक याद रखिएगा मीटर किलोग्राम और सेकेंड ही चूज की गई। मैंने कहा ना बादशाह बादशाह होता है, उसने कहा कि देखो हमारा मुकम्मल इत्तेफाक है, CGS सिस्टम में, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम में, MKS सिस्टम में, वो कहते हैं कि हमारा मुकम्मल इत्तेफाक है, देखो टाइम को तो हम सेकंड में लेंगे क्योंकि आप लोग टाइम को सेकंड में बेयर करते हो, हम आपसे मुत्तफिक हैं, लेकिन हम मास को ग्राम में या किलोग्राम में, मास को ग्राम में या पौंड में नहीं लेंगे,
आप हमारे एक बात हम आपकी मानते हैं, हम आपके टाइम को एक्सेप्ट कर लेते हैं, सेकंड को एक्सेप्ट करते हैं, एक बात आप हमारी मान लीजिए, मास को हम मास को ग्राम में या पौंड में लेने की बजाय आप हमारे किलोग्राम में मान लीजिए। और वैसे भी कौन सा मुश्किल है, आप जानते हैं कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम होता है, आज के बाद हम मास को किलोग्राम में लेंगे। भाई एतरामन इनकी बात मान ली गई। फिर उन्होंने कहा कि अब देखिए, हम चूंकि बादशाह हैं इसलिए हम लेंथ को सेंटीमीटर में या फुट में नहीं लेंगे, आपको ये हमारी बात मानना पड़ेगी, जबरदस्ती मानना पड़ेगी क्योंकि बादशाह। चुनाचे लेंथ को हम मीटर में। इस तरह से ये आपका, मैं मजाक कर रहा हूं, इसमें मजाक में बहुत सारी चीजें कर गया हूं। इस तरह सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है, पूरी दुनिया में राइज हो गया। अब फिजिक्स अब हम पढ़ते हैं तो जितनी भी फिजिक्स में मेजरमेंट करते हैं वो इसी यूनिट सिस्टम के तहत करते हैं। तो कल मैं आपको बताऊंगा कि बेसिक यूनिट्स क्या होती हैं और ड्राइव यूनिट्स क्या होती हैं। बेटा अभी आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ना है, उसके मेन पॉइंट्स एक जगह पर लिखने हैं, जो बोर्ड लाइन टू लाइन पढ़िएगा, लाइन टू लाइन पढ़िएगा, उसके मेन पॉइंट्स एक जगह पर नोट करने हैं। और उसके बाद आपने क्या करना है, उन किताब में उस पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर देना है, उनके पॉइंट्स नोट भी कर लेने हैं और आपके एमसीक्यूज तैयार होने, ठीक है ना बेटा। इस चैप्टर में हमें थोड़ी सी मेहनत कम करना पड़ती, ये बिल्कुल आर्ट्स की तरह का सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेटिव है, कोई मैथमेटिकल नहीं। लेकिन जब हम यूनिट सिस्टम से आगे बढ़ेंगे, सेकंड लास्ट टॉपिक करेंगे जो डायमेंशंस का है, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट कितना है। एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर आपने प्री मेडिकल इसलिए लेना है कि आपको मैथमेटिक्स बुरा लगता था, आपको मैथमेटिक्स मुश्किल लगता था, तो दुनिया की कोई ताकत आपको डॉक्टर नहीं बना सकती जो मैथ्स के डर की वजह से प्री मेडिकल लेता है। अगर आप इसलिए प्री मेडिकल लेते हैं कि आपका बचपन से ख्वाब है, क्रेज है, अगर आपका क्रेज है डॉक्टर बनना, आपको इंतहाई शौक है और आपको रोना आ रहा है मैथमेटिक्स छोड़ने पर, आपको मैथ से इतनी मोहब्बत है, अगर आपको बाकी डॉक्टर बनना है और आप उसके लिए बड़े जज्बाती हैं, तो आपको उसके लिए इसलिए मेहनत करनी है। देखो याद रखो, 85% से ज्यादा लेनी है, 15% सेक्रीफाइस कर सकते हो। मैं ये कहता हूं कि अगर आपको अल्लाह ने टाइम दिया है 100 घंटे फर्ज कीजिए, तो उसमें 15 घंटे हिसाब लगाइएगा, 15 आवर आप इंटरटेनमेंट कर सकते हो और 85 आवर आपको स्ट्रगल करनी। इसको अगर आप बिल्कुल कंफर्म कामयाब होना चाहते हैं तो 10 और 90 कर लो। यानी अगर आपको अल्लाह ताला ने याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने आपको टोटल जो है 100 घंटे दिए हैं, तो 10 घंटे आप जाया कर दो इंटरटेनमेंट में और 90 घंटे आप हार्डवर्क करो। और अगर अल्लाह ताला ने दिन में आपको 10 घंटे दिए, तो 1 घंटा और 9 घंटे हैं। आपने फैसला करना है बेटा, आपने सबसे पहले अपनी खामियां दूर करनी है, याद रखिएगा अपनी खामियां दूर करनी है। दूसरी बात, इंतहाई फरमाबरदार हो जाना है, जो कामयाब लोग हैं उनसे कामयाबी के टिप्स लेने। तो बेटा अभी हमारा मीटिंग टाइम खत्म हो गया है। अगर आपको देखें, ये लेक्चर मैं संडे को, ये सारा लेक्चर मैं संडे को अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर। यूट्यूब पर हमारा चैनल है ESY Learning, आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के को प्रेस कर दीजिएगा, आपको मेरी वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी। हर संडे को मैं पूरे हफ्ते के अपने लेक्चर एक ही जगह पर कंबाइन करके वो आपको सेंड कर दिया करूंगा। फिक्र मत कीजिए, कुछ चीज नोट करने से रह गई है तो परेशान ना हो, आप यूट्यूब पर जाइए, वहां पर सारे साइंटिस्ट की आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा उर्दू में इनकी PDF फॉर्मेट में इनके बारे में किताब मिलेंगी। और अगर आपको वक्त मिले, किताब याद रखिएगा अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, अगर आप किताब खरीद लेते हैं तो आप दुनिया के खुशकिस्मत तरीन इंसानों में से होते हैं।